हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। अध्यात्म द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज का निर्माण विषय पर समाज सेवियों के लिए ब्रह्मा कुमारीज की समाज सेवा प्रभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज को मूल्यनिष्ठ समाज बनाने पर विशेष प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में माउंट आबू हेडक्वार्टर से समाज सेवा प्रभाग के हेडक्वार्टर को ऑर्जिनेटर ब्रह्मा कुमार वीरेंद्र भाई, सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोनिया, डूंगरपुर सेवा केंद्र से बी की विजयलक्ष्मी दीदी, सागवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बी के पद्मा दीदी, छतरपुर मध्य प्रदेश से बी के सुलेखा दीदी एवं बी के पूनम बहन सहित नगर के अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई एवं स्वागत नृत्य के द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया तथा सागवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बी के पद्मा दीदी ने शब्दों के द्वारा सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष ने उद्बोधन देते हुए समाज सेवा के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की। पालिका अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस दुनिया में शांति का एकमात्र केंद्र ब्रह्मा कुमारीज केंद्र ही है। कार्यक्रम में माउंट आबू से आए ब्रह्मा कुमार वीरेंद्र भाई ने समाज सेवा प्रभाग के लक्ष्य एवं उद्देश्य पर चर्चा की और कहा कि समाज में चारित्रिक मूल्यों की स्थापना करना वर्तमान समय में समाज की सर्वोत्तम सेवा है। छतरपुर मध्य प्रदेश से पहुंची बीटी पूनम बहन ने आध्यात्मिकता द्वारा श्रेष्ठ समाज का पुनः नवनिर्माण विषय पर प्रकाश डाला और कहा कि श्रेष्ठ समाज के लिए व्यक्ति के विचार परिवर्तन से व्यक्तित्व परिवर्तन होगा और व्यक्तित्व परिवर्तन से कर्म श्रेष्ठ होंगे और श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। डूंगरपुर सेवा केंद्र से बी की विजयलक्ष्मी दीदी ने स्वयं के अस्तित्व की पहचान कराते हुए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित किया। इसी कड़ी में बी के सुलेखा दीदी ने सभी को मेडिटेशन करा के परमात्मा की अनुभूति कराई तथा अंत में सभी को सौगात दी और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन बी के राजेश जोशी ने किया।